शाहरुख खान की जवान ने बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की गदर 2 का ये क्या हाल कर दिया। सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। फिल्म ने 500 करोड़ का कलेक्शन भी कर लिया था, लेकिन अब फिल्म का बुरा हाल हो गया है। 7 सितंबर को शाहरुख खान की जवान ने सिनेमा हॉल्स में दस्तक दी है, जिसके बाद से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी कर रही है। हर फिल्म का बुरा हाल हो गया है। जवान ने गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल करके रख दिया है। फिल्म का 28वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि जवान ने ये क्या हाल कर दिया है। सनी देओल की गदर 2 सबसे जल्दी 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने 3 हफ्तों में ही 500 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली थी। लोगों का तारा सिंह और सकीना की जोड़ी को काफी ज्यादा प्यार भी मिला। अब जवान के आते ही ये प्यार कम हो चुका है। जी हाँ, जवान की आंधी में सनी देओल की गदर 2 बह चुकी है। फिल्म ने 28वें दिन बहुत कम कमाई की है, ये अब तक का सबसे कम कलेक्शन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने 28वें दिन लगभग 1,50,00,000 का कलेक्शन किया है। इसके बाद इसका टोटल कलेक्शन होता है लगभग 511 करोड़ रुपए का। शाहरुख खान की जवान ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म ने पहले दिन ही 75 करोड़ का कलेक्शन किया। ये अब तक का बॉलीवुड फिल्मों का सबसे ज्यादा कलेक्शन रहा है। वहीं गदर 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस फिल्म ने 40 करोड़ का कलेक्शन किया था। गदर 2 के बारे में बात करें तो इसमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और मनीष वाधवा मेन लीड रोल निभाते हुए नजर आए हैं। फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है। वेला आपका शाहरुख खान के फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की गदर 2 को टक्कर देने पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।